भाषण भी आपके जावेद भाई उनकी अहलिया जो प्रधानाचार्य है हमारे लिए ये लोग मॉडल, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने सुदूर इलाके आपको और एक बात को बात बताऊंगा जो नहीं जानते हैं हमें मौका, मेरी खुशकिस्मती है कि आपने यहाँ मौका दिया और अपने बच्चों से मिलने का। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मनैया साहब, पीपल साहब, नागिन साहब और हमारे साथ आए हमारे दोस्त जनाब डॉक्टर महबूब आलम साहब और हमारे प्यारे बच्चे और बच्चियां, आप कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं और आपके मतलब चलाता जाने पे मंजिल मगर आवास में जाए। मंजिल का मतलब एक उद्देश्य, एक एम, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक इंसान अपनी जिंदगी में सोचता है मुझे करना क्या है, जैसे आप सोच रहे हो कि हमें करना क्या है। आपका सबसे पहला काम कोई आपको करना है, ठीक है, तो इनके लिए शेर है और इनके हवाले से आप तक पहुंचेगा कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। आपके जो कर्तव्य हैं वो बहुत है, लेकिन जब आप एक इंसान बन जाएंगे तो सब बनते हैं, कुछ जरूरत नहीं है। ना आप हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, सबसे पहले आप एक भारतीय हैं, एक इंसान। अगर ये बन गए तो समझिए कि आपकी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। मूर्ति है, मैं अहमदाबाद में कहा पड़ता है मुर्गी वहां का लगाना है, ये खुशी होती है। और हमारे हम गाजीपुर में एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम है MAH इंटर कॉलेज, वहां मैं लेक्चरर हूँ, प्रवक्ता जिसको बोलते हैं, मास्टर साहब है। ये बैनर तले ग्रामीण शिक्षा का महत्व, यही महत्व है कि वो बच्चे, वो गरीब के बच्चे, देखो शिक्षा को बांट दिया गया, अमीर के लिए कुछ और गरीब के लिए कुछ। ये गरीब इलाके में अपने से तमाम इंतजाम करके, अपने तरीके से लोगों से एक तरीके से चंदा मांग के, चंदा मांगना बड़ा मुश्किल होता है, किसी के सामने अगर हाथ फैलाओगे कि हमको इस काम के लिए पैसा दे दो तो आदमी बड़ा नाराज होता है, बड़ा गुस्सा होता है, आगे मुझसे पैसा मांगना। जैसे मस्जिद और मंदिर में चंदा मांगने के लिए कोई आता है कि नहीं आता होगा, तो लगता है क्या मांगने चला आया है ऐसा। लेकिन ये मंदिर मस्जिद से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा देना, आपको शिक्षित कर देना, गरीब बच्चों को अमीर की लाइन में कतार में खड़ा कर देना, बहुत बड़ी बात। मैं बहुत आपका मुबारकबाद आपको देता हूँ और अल्लाह से और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि इस स्कूल का आने वाले 10-20 साल के अंदर जो इसके क्षेत्रफल हो, इसके जो बड़ाई हो, उसकी खूब पता हो, कई स्कूल आप चलाएं और इस इलाके को 10-20 गांव को आप शिक्षा से मालामाल कर दें, ये मेरी दुआ है। और आप इसके प्रोडक्ट हो, आप इसके स्टूडेंट हो, इस स्कूल का को आगे बढ़ाने में आपका नुमाया रोल होना बहुत जरूरी है। जरूरी यह है कि ग्रामीण बच्चों की तरफ कोई ताकता नहीं, कोई ताकता, कोई डंडा भी नहीं है। और फिलहाल का जो शिक्षा, इधर ध्यान दे बेटा, आज से मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल की जो सरकार है हम उसको दुष्कर नहीं रहे, लेकिन आपके शिक्षा नीति को उसने बदल दिया। हमारे सामने सबसे जो बड़ी बड़ी बात है वो ये है कि हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख लिख करके नौकरी में नहीं, बेरोजगार है, बेरोजगार है, और इसकी संख्या कितनी बढ़ेगी मुझे पता नहीं, लेकिन हम पढ़ना छोड़ेंगे नहीं। पढ़ाई करने से इंसान के अंदर जो है ना उसके शख्सियत में कमाल पैदा होता है, बेहतरी पैदा होती है, अच्छाई पैदा होती है, नेकी पैदा होती है। ये काम को नहीं छोड़ना, इसी से इंसान की शिनाख्त होती है, इसी से इंसान की पहचान होती है। अगर इस काम को आपने छोड़ दिया तो आप में और जानवर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। इस काम को आपको करना है, आप जहाँ पे अभाव है, जहाँ कमी, अभाव मैंने कमी, जहाँ कमी होता है ना वहीं धूम धूमता है। जानिए आपके सामने कमियां हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यहीं से बच्चे अच्छे तरीके से एक स्टूडेंट के नाते, एक अच्छे शहरी, एक अच्छे ग्रामीण के, और आप अपने काम को अपने ठीक से,
अपने धर्म क्या है, आपका धर्म यही है कि आप अपने जीवन का जो शैली है उस शैली में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। बदलाव क्या लाना है, बस इतना ही लाना है कि हमको कौन से काम कर रहे हैं। अगर हम कोई काम का जब लिस्ट बनाते हैं तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट रूल, जब हम अपने काम का लिस्ट बनाते हैं, मतलब 10 काम हमने लिस्ट बनाया, ये काम हमें करना है घर का, तो पता है पढ़ाई का जब नंबर आता है वो 10वें पर, वो 10वें पर आता है। तो जिस काम को आपने 10वें पर रखा है तो आप 10वें नंबर के ही सुनिए, और जिस दिन आपके दिमाग में बात आ गई कि नंबर टॉप पे शिक्षा रखना पढ़ाई रखनी है, तो ये यकीन जानिए कि सबसे टॉप होंगे। इस बात को समझ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ाई के बारे में कभी सोचते भी नहीं, ना हम सोचते हैं ना मेरा गार्जियन, और जो सोचता है वो आगे जाता है, ठीक है ना। तो अब इस बात को आप याद रखिए। दूसरी बात ये, हम ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि छुट्टी टाइम हुई, ठीक है। और आपका जैसे मैंने बताया, आपके इस डिस्ट्रिक्ट से लेकर के कमिश्नरी से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत का खेल कूद को मैं देखता हूँ, खेल कूद समझ रहे हैं, जितनी भी स्पोर्ट्स हो रही है, खेल हो रहा है, उसमें हम अपना नुमाया काम करते हैं। लेकिन जब खुशी कम होती है, जब हमारे गांव के बच्चे जब कोई बड़ा कारनामा करते हैं, बड़ा इनाम लेते हैं, बड़ा खेल खेलते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनके पीछे कोई डाल साधन होता नहीं है, उनको तैयार करने वाला कोई नहीं होता, उनके पीछे पैसा लगाने वाला भी कोई नहीं होता, उसे पता भी नहीं कि मुझे करना क्या है। तो ऐसे बच्चे जब कोई बड़ा काम करते हैं, बड़े इवेंट्स में जाते हैं, प्रतिस्पर्धा में जाते हैं, उनको बड़ा काम करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे बच्चों के साथ वर्क करके उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनको आप पढ़ने के लिए कार्य किया जाए। तो ये स्पोर्ट्स में भी आप करेंगे, हम लगता जरूर है, इस जनपद में भी होगी, कमिश्नरी में भी होगी, प्रदेश लेवल पर भी होगी और नेशनल लेवल पर भी होगी। तो आपके थोड़ा आपसे बड़ा है, हम आगे जाते रहेंगे, जो भी क्वेरी होगी, जो भी मुझसे कर सकता हूँ आपके लिए मैं करता रहूँ, कोई करते हैं। बहुत खुशी हुई बच्चों को देख करके, एक गांव में पहली बार हमारा आना हुआ है, हम मूलतः फतेहपुर जनपद के रहने वाले हैं, और आपके जो मैनेजर साहब हैं उनसे हमारी मुलाकात, उन्होंने कहा आपको बहुत अच्छा लगा देख करके, आपका स्कूल देखे, सबसे पहले दानाचार्य जी मैनेजर साहब और आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं या कस्बे से ताल्लुक रखते हैं, हम लोगों का जो देश है वो कृषि प्रधान और पशुपालन प्रधान देश है, एक्चुअली में हम वेटनरी से रिलेटेड हैं, तो वेटनरी के बारे में ही बताएंगे। सबके यहाँ पशु भी रहते हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, भैंस हैं, मुर्गियां हैं, और अभी एक बीमारी चली थी लंपी स्किन बीमारी, आप लोगों को क्षेत्र में काफी प्रभारी बीमारी थी और गाय में काफी डेथ हुई थी, रहती है और उसमें बीमा हो जाएगा आपके पशु का, वो चाहे मिल्किंग एनिमल हो चाहे वो बगैर मिल्किंग हो, और किसी भी वजह से कभी कभी जंगल में चलने जाती है, तार कट गया या कोई चीज हो, गिर जाती है या बिजली चमकी, इससे वजह से मर गई, या कोई आकस्मिक निधन या ऐसे भी चोरी भी हो गई, सारी सब उसमें, तो आपको वो पोस्टमार्टम होता है आपके पशु का, और उसके बाद उसका आपका जो भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में आता है, तो इससे जो आप लोगों की आर्थिक क्षति होती है वो नहीं है। तो बाकी यही बताना चाह रहे हैं, जैसे पशु रखते रखाते हैं तो इसके लिए आप लोग जागरूक है, आपके पेरेंट्स से बोला गया कि बच्चा हमारा वो है, तो आप बताइए कि इसका पिताजी से अपने बताइए कि इसका बीमा होता है, इसको आपका नुकसान हो गया, पापा जी आप जाइए इसको सरकारी अस्पताल में इसका बीमा करा लीजिए, या उसके पेट में वर्म से होते हैं, कीड़े होते हैं, तो सरकार की फ्री की दवाएं आती है जो कि हम लोगों को नहीं मिल पाती है, आप लोगों को कोई जाएगा तो वहाँ कहेगा कि हमारे पशु के कीड़े की दवा दे दीजिए, वो 1 रुपया जमा करके आपको कीड़े की दवा देंगे, पर आपसे आप लेंगे तो काफी कॉस्टली रहेगी, लोग नहीं ले पाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सब आपको योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, आपका पशु भी अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे वो है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए, और एक गांव के अंदर इतना स्कूल बनना और इतने स्ट्रेंथ में बच्चों को रहना, टीचिंग स्टाफ को रहना, एक खुशी की बात है। बाकी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे मौके पे।
और आप स्कूल परिवार को, सभी विद्यालयों को, बच्चों को, सबको